हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपके न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम ना ही जानने वाले हैं कोई बेन 10 के क्वेश्चंस और ना ही आज हम कोई वर्सेस सीरीज लेके आए हैं, बल्कि आज हम एक नई चीज लेके आए हैं जिसका नाम है टॉप 10 बेन 10 एलियंस कैरेक्टर सिमिलर टू मार्वल एंड डीसी कैरेक्टर। स्टार्ट करते हैं अपने नंबर 1 से। तो हमारा नंबर 1 है दोस्तों डॉक्टर विक्टर विलीडियस। तो आप डॉक्टर विक्टर को तो जानते ही होंगे अगर आपने बेन 10 देखा है तो जरूर। तो भाई आप सब लोगों ने बेन 10 देखा ही, अगर नहीं भी देखा तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप इसको देखते से ही पहचान लेंगे कि भाई ये देखते हैं बिल्कुल हमारे मार्वल के फेवरेट, हमारे स्पाइडी के फेवरेट विलन यानी कि डॉक्टर ऑक्टोपस की तरह। तो आप इन दोनों को बगल बगल में ऐसे फोटो रख के, मैं खुद ही रख देता हूँ चलो। तो इन दोनों के टेंटिकल्स हैं एकदम सिमिलर, थोड़े दिखाई देंगे। नंबर 9 केविन। तो आप जानते हैं कि केविन किसी भी चीज़ को एब्जॉर्ब कर सकता है, चाहे वो मेटल हो, चाहे वो कोई पत्थर हो, रॉक हो। तो एकदम इसी के जैसी सेम एबिलिटी हमको देखने को मिल जाती है इस टीसी के एब्जॉर्बिंग मैन। वैसे एब्जॉर्बिंग मैन थोड़ा नाम अजीब नहीं है, चलो कोई बात नहीं। हाँ चलो, आप जो अगर आप इसको जानते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं भी जानते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस जो इसकी केविन की एबिलिटी है ना कि वो पत्थर या किसी भी मेटल को छू के उसकी जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं उसको अपने अंदर ले सकता है, इसकी भी एकदम वैसे ही पावर्स हैं। लेकिन हाँ, ये चीज़ें एकदम मतलब टेम्परेली होती हैं जैसे केविन की होती हैं। तो चलते हैं हमारे नंबर 8 की तरफ। तो स्कर्ड एंड अपग्रेड इस लिस्ट में 8 नंबर पे हैं और ये दो हैं 8 नंबर पे दोनों के दोनों। तो इन दोनों की एबिलिटीज़ और मतलब देखने में दोनों दिखते हैं एकदम हमारे वेनम की तरह। तो अगर आप वेनम को जानते ही हैं, भाई सब लोग जानते हैं वेनम को, तो जो हमारा वेनम है वो एक सिम्बियोट है जिसको जिंदा रहने के लिए एक होस्ट की ज़रूरत पड़ती है। और जैसा कि आप जानते ही होंगे कि जो हमारा स्कर्ड है ना, स्कर्ड को भी एक होस्ट की ज़रूरत पड़ती है रहने के लिए। जो हमारा वेनम है वो हीलिंग तो भाई बहुत ही ज़बरदस्त करता ही है, लेकिन साथ में जो उसका होस्ट रहता है उसको एग्रेसिव भी बना देता है। स्कर्ड को भी जिंदा रहने के लिए मतलब किसी होस्ट की ज़रूरत पड़ती है, और जिसके पास ज़्यादा डीएनएज होते हैं वो ये स्कर्ड उसी के पास चला जाता है। जैसे कि आपको पता होगा ये पहले नेमेट्रिक्स में रहता था, लेकिन नेमेट्रिक्स से बहुत ज़्यादा एलियंस के डीएनए हैं हमारी ओमनीट्रिक्स के अंदर, इसलिए वो नेमेट्रिक्स को छोड़ के ओमनीट्रिक्स में आ गया था। और फिर बेन 10 ने भी इसका फुल फ़ायदा उठाया था, ऐसे उसे पसंद नहीं था स्कर्ड, फिर भी फ़ायदा तो उठा ही लिया था ना यार। और वो स्कर्ड इसको बहुत सारे वेपन्स भी बना के देता था जिससे इसको बहुत ही ज़्यादा हेल्प होती थी। अब अगर हम बात करें अपग्रेड की, तो जो अपग्रेड है उसको भी एक होस्ट की ज़रूरत पड़ती है, मतलब कि वो किसी भी मशीन को अपनी कंट्रोल में ला के उसको अपग्रेड कर सकता है और उसी से अपनी फाइट पूरी कर सकता है। नंबर 7 घोस्ट फ्रीक। तो हमारे जो घोस्ट फ्रीक है वो उसकी पावर्स मिलती हैं एकदम हमारे डीसी कॉमिक्स के डेडमैन की तरह। हाँ मैं समझता हूँ कि इन दोनों में डिज़ाइन में और देखने में मतलब कोई भी मतलब सिमिलैरिटी आपको नहीं दिख रही होगी, लेकिन इनकी जो पावर्स हैं उसमें सिमिलैरिटी ज़रूर है। तो सर ये दोनों ही इनविजिबल और इंटेंजिबल हो सकते हैं और किसी भी की बॉडी को भी पोजेस कर सकते हैं। तो हमारे जो नंबर 6 पे आती है वो है चार्म कस्टर। दोस्तों चार्म कस्टर की एबिलिटीज़ मिलती हैं एकदम हमारी वांडा यानी कि स्कारलेट विच से। तो आप अगर इन दोनों की फ़ोटो को साइड बाई साइड देखेंगे तो आपको देखने में थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी तो मिल ही जाएगी, और साथ ही साथ ये दोनों ही मैजिक का यूज़ करती हैं। तो दोस्तों आज के पार्ट के लिए बस इतना ही, इसके और भी आगे के पार्ट आने वाले हैं जो कि शायद मैं कल परसों तक या फिर अगले हफ्ते तक तो डाल ही दूंगा। दोस्तों इसके लिए आप वेट ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए